दोस्तों नमस्कार, देश दुनिया टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बात पते की बात एपिसोड 2 के अंदर हम सीरीज 2 की बात करेंगे। और अभी तक हमने पावर ऑफ थॉट्स की बात की। आपने पिछले एपिसोड में देखा भी होगा कि क्या सोच से हम सिर्फ सोचने से ही काम, हम जब सोचते हैं तो पता नहीं कहां कहां तक हम पहुंच जाते हैं। और सोचना आपने शायद उस एपिसोड के बाद शुरू भी कर दिया होगा कि यहां सही कह रहा है ये बंदा, ये सोचने में बहुत बड़ी ताकत है, पावर है थॉट्स के अंदर, और हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आज हम उसके आगे की बात करेंगे कि सिर्फ जब आपने सोच लिया कि मुझे एक चीज़ को पाना है, मुझे एक चीज़ को अचीव करना है, उसके आगे क्या, अब क्या करें, अब कैसे उसको लेके जाएं। अगर मैं एक इसको एग्जांपल के साथ देना चाहूँगा कि जैसे ही आप किसी भी काम को अचीव करने की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। बिना एक्शन के आप उस सोच के रिज़ल्ट, जो भी आप सोचते हैं उस रिज़ल्ट तक पहुंच नहीं सकते। तो एक इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो चीज़ आपने सोचा है एक प्रोसेस से चलता है। और वो प्रोसेस है, सबसे पहले आप अगर रिज़ल्ट की बात करें तो मैं इसको रिवर्स लेके जाता हूँ। अगर आपने रिज़ल्ट अचीव किया तो उसके साथ उसका नीचे उसका एक्शन होगा, तभी वो रिज़ल्ट पा सकते हैं। और जब उसका एक्शन हुआ होगा तो उस एक्शन के पीछे कोई ना कोई आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, तब वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। और जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, वो आपके बिलीव सिस्टम के ऊपर काम करता है, जिसको हम निष्ठा बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में धारणा बोलते हैं। और वो बिलीव सिस्टम बनता कैसे है हम उसकी बात करेंगे, और कितना इम्पॉर्टेंट है ये बिलीव सिस्टम आज इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। देखिए, जब आपका बिलीव सिस्टम बनता है उसके पीछे भी कुछ कारण है। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो तरह तरह की चीज़ें आपके सामने घटती हैं, तरह तरह के सोशल एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, फैमिली एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये सारे मिलके आपकी एक धारणा बना देते हैं, एक बिलीफ सिस्टम बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि ऐसा ही होता है। जैसे मैं बताना एक एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है उसके एक पैर में रस्सी बांध के खूंटे से बांध दिया जाता है, और उसके साथ वो उसको तोड़ नहीं पाता। और वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और जब बड़ा पूरा आकार ले लेता है तब भी उसकी धारणा यही होती है, उसका बिलीव सिस्टम यही होता है कि ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता। और उस हाथी के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो उस 1000 रस्सियों को तोड़ दे, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम उसको रोक देता है। जी हाँ, यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि हर शख्स का जो भी बिलीफ सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर वो नेगेटिव होते हैं तो हम एक नेगेटिव धारणा बना लेते हैं, नेगेटिव बिलीफ बना लेते हैं। और जब हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं, आसपास लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, वो अचीव करते हैं, सपोज़ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर आप छोटे हैं मिडिल क्लास फैमिली के हैं और एग्जाम पास करना चाहते हैं और आप एग्जाम में फेल हो गए तो आपके घर वाले बोलते हैं अच्छा एक बार और एग्जाम दो। आप एग्जाम फिर दोबारा से दिया, फिर आप दोबारा से वो पास नहीं कर पाए तो एक बिलीव सिस्टम बना दिया जाता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है। हाँ, आप सोच लेते हैं यार मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, यही एक नेगेटिव बिलीव सिस्टम बन जाता है। और जब आप थर्ड टाइम दोबारा से एग्जाम देते हैं पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के साथ कि मैं इसको पार कर लूँगा, आप उसको पार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आ जाता है। यानी आप जब अपने पुरानी बिलीव्स को कि आपके अंदर दम नहीं है, नेगेटिव बिलीव्स को तोड़ के आगे बढ़ते हैं तब आपका पॉजिटिव बिलीव बनता है और आप वो ऊँचाइयाँ पा सकते हैं। मैं आज एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मदन लाल जी हैं 45 ईयर्स के, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। वो हरियाणा से बिलोंग करने के जब वो पैदा हुए थे, आज 45 साल के हैं, उनके दोनों हाथ नहीं थे जब वो पैदा हुए थे। उनके माँ बाप ने सोचा कि यार जिस बंदे के हाथ नहीं है, इस बच्चे के हाथ नहीं है, क्या लाइफ जिएगा, इसको मार देते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने उसको पाला, उसके दादा दादी ने उसको पाला। और आज एक बिलीव सिस्टम था कि इसके हाथ नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो अपंग है, ये तो अपाहिज है। लेकिन मदन लाल जी ने उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ा, और उस तोड़ने के बाद आज उन्होंने अपने पैरों को अपने हाथ बना लिया। आज वो सारी चीज़ें अपने पैरों से करते हैं, और यहाँ तक कि सिलाई भी शुरू कर दी है, सिलाई भी पैरों से करते हैं। आप IGT देखा होगा आपने, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसके अंदर वो बंदा आया था। वो जब वो आया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए उस एपिसोड ने,
कि एक शख्स जिसके हाथ नहीं है उस शख्स ने पैरों को हाथ बना लिया और आज उसी से कमा रहा है, अपनी ज़िंदगी चला रहा है। उसने पुराने बिलीफ सिस्टम को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को छोड़ दिया। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा अरुणिमा सिन्हा का, जिनकी एक टांग कट गई एक एक्सीडेंट में, एक प्लेयर हैं वो वॉलीबॉल की। और एक टांग कटने के बाद एक बिलीफ होता है अपंग हो गया अब तो व्हीलचेयर पे चलेगा, लेकिन उसने, उस बंदी ने, अरुणिमा सिन्हा ने उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ा और आज वो माउंट एवरेस्ट तक जा चुकी हैं। सोचिए आप दोस्तों कि उन्होंने उस बिलीफ सिस्टम को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हरा के पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से आज माउंट एवरेस्ट तक की चढ़ाई चढ़ ली। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सोचा है वो अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर बंदे में पोटेंशियल है उस हाथी की तरह, लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम ने उसके माइंड को रोक दिया। ये बिलीफ सिस्टम और ये एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं, हमारे माइंड को रोक देते हैं, हमें जाने नहीं देते आगे, हमें नई सोच को आने नहीं देते। और हम सोच लेते हैं भैया हमारे बस की तो कुछ नहीं है, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हमारे बस की कुछ नहीं है, आज हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये दुनिया हमारे लिए बनी नहीं है। कई लोग इस सोच से नेगेटिव हो जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, हर बंदे में पोटेंशियल है वो सब कुछ करने का जो एक कामयाब बंदा कर सकता है। आप सोचिए और एक्शंस उस हिसाब से लीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। आप अपने एक्सपीरियंस को पॉजिटिव करिए, आप अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस से पॉजिटिव बिलीफ पैदा करिए, पॉजिटिव बिलीफ से पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करिए, एक अच्छी तरह सोच में जाइए, उसके बाद एक उसी के अकॉर्डिंगली एक्शंस लेना शुरू कीजिए, ब्रॉड कीजिए, तो आपके रिजल्ट जो आप सोच रहे हैं वो बन जाएगा। इस दुनिया में आपका अपना सबसे बड़ा दोस्त आप खुद ही हैं जो आगे लेके जाते हैं अपने आप को, और सबसे बड़ा दुश्मन भी आप खुद ही हैं जो अपने बिलीफ सिस्टम से आपको रोकता है। ये बिलीफ सिस्टम, ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपको कंट्रोल करता है, एक बैरियर क्रिएट कर देता है। जो पुरानी कंपनीज थी एम्बेसडर, जो पुरानी कंपनीज थी HMT, उन्होंने सोच लिया यही दुनिया है, उन्होंने नई चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं किया। आज वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि वो आगे बढ़ने की जो इच्छा थी उन्होंने उसको आने नहीं दिया कि यही उनकी दुनिया है। पुराना बिलीव, गाड़ी तो गाड़ी है, उस चीज को अगर आप नहीं अडॉप्ट करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको अपने बिलीफ सिस्टम और एक्सपीरियंसेस को हटाना पड़ेगा, तब आप जाके नए एटीट्यूड और नए एक्शंस और नए रिजल्ट्स की तरफ जा सकते हैं, यानी जो आपने सोचा हुआ है उसको आप अचीव कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपका फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे होना चाहिए जो आप चाहते हैं। यू डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, बिकॉज इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, आपको वो ही मिलेगा जो आप नहीं चाहते हो। आपका फोकस वहीं होना चाहिए। आप इधर उधर की बातें अगर सोचेंगे तो इधर उधर की चीज़ें ही मिलेंगी। एक और चीज़ हो दुनिया से मैंने एक्सपीरियंस सीखी है, अगर आप वो ही करते आ रहे हैं जो आप करते थे, तो आपको वो ही मिलता जाएगा जो आपको मिलता था। अगर आपको नया कुछ चीज़ें पाना है, तो आपको अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को, अपने बिलीफ सिस्टम को उसी के अकॉर्डिंगली लेके जाना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, अगर बिलीफ सिस्टम नहीं तोड़ा तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आप मदन लाल जी से सीख सकते हैं, आप अरुणिमा सिन्हा से सीख सकते हैं, हज़ारों एग्जांपल्स हैं जिनको आप देखिए, पॉजिटिव रेफरेंसेस क्रिएट करिए, पॉजिटिव बिलीव क्रिएट करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपने ये बिलीव रख लिया अपने आप पे, तो आप खुद को ऊपर तक ले जा पाएंगे, और कोई नहीं है आपके पीछे, आप खुद हैं। आप ही को रोकना है, ये कंट्रोल करने वाले भी आप ही हैं और रिलीज़ करने वाले भी आप ही हैं। दोस्तों तीन चीज़ याद रखिएगा, वॉट यू शुड कीप डूइंग, पहली चीज़ उस फोकस के ऊपर, वॉट यू शुड स्टार्ट डूइंग, क्या नया करना है मुझे, एंड वॉट यू शुड स्टॉप डूइंग, क्या मुझे रोकना है। ये तीन चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दे दिया और अपने काम को जो अचीव करना चाहते हैं, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट अचीव करना चाहते हैं, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए जो ज़रूरी है वो करिए,
उस हाथी की तरह मत बन जाइए जो जिसके अंदर पोटेंशियल है और वो हज़ारों पोटेंशियल उसके दबा देता है उसका बिलीव सिस्टम। उस हाथी की तरह मत बनिए, उस मदन लाल की तरह बनिए, उस अरुणिमा सिन्हा की तरह बनिए। यही है आज बात पते की कि आप ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और आप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये बिलीव सिस्टम और एक्सपीरियंसेस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तब आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करें ना करें लेकिन आगे लोगों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये किसी न किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। थैंक यू।